नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका धनु राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो देखिए, 14 अप्रैल दिन बुधवार सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि और अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्यदेव 14 अप्रैल से लेकर 13 मई 2021 तक मेष राशि में ही चलायमान रहने वाले हैं। तो इसका प्रत्येक राशि के ऊपर प्रभाव पड़ने जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में केवल धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो देखिए, नवग्रहों में सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना गया है। सूर्यदेव को सबसे शुभ ग्रह माना गया है और वैदिक काल से ही सूर्यदेव की पूजा अर्चन का विधान है। सूर्यदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण संसार को दिखाई देते हैं और सूर्यदेव के बिना जीवन जीने की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसका कारण यह है कि सूर्यदेव से ही हमें ऊर्जा, बल और प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव का जन्म कुंडली पर विशेष महत्व है। जब जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है तो किसी व्यक्ति का मनोबल, आत्मबल, निर्णय लेने की क्षमता, सरकारी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह सारी स्थिति सूर्यदेव को देखकर ही जाना जाता है। सूर्य की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर सही हो तो व्यक्ति में आकर्षण क्षमता, अनुशासन, लीडरशिप क्षमता होती है। सूर्य यदि शुभ अवस्था में होते हैं तो जातक के अंदर सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक विचार निरंतर उत्पन्न होते हैं। सूर्यदेव के शुभ प्रभाव से व्यक्ति आकर्षण व्यक्तित्व का धनी होता है। शारीरिक रूप से जातक बलवान होता है। सूर्य की स्थिति सही होने पर जातक को सूर्यदेव सभी चीजें देते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि यदि कई ग्रह कम प्रभावी अवस्था में हो, केवल एक ग्रह सूर्य यदि बली होते हैं तो जीवन में सभी प्रकार से सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। सूर्य का यदि पीड़ित प्रभाव होता है तो आंख से संबंधित समस्याएं, रक्त से संबंधित समस्याएं देखने के लिए मिलती है। ब्लड प्रेशर, मिर्गी आना, पिता से संबंध खराब हो जाना, यह सूर्य के पीड़ित प्रभाव पर देखने के लिए मिलता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को छत्री वर्ण, लाल रंग और पूर्व दिशा का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा, मंगल, गुरु सूर्य के मित्र ग्रह माने जाते हैं, जबकि शनि, राहु, केतु सूर्य के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। नवग्रहों में प्रत्येक राशि में एक माह तक सूर्यदेव की जो चाल होती है वो सभी राशियों का एक चक्र पूरा करने में एक वर्ष का समय लगता है और एक राशि में सूर्यदेव एक माह तक भ्रमण करते हैं। इसको सूर्य संक्रांति कहा जाता है। मेष राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है, तुला राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है और 12 राशियों में एकमात्र राशि सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं धनु राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सबसे पहले मेष राशि, अग्नि तत्वी राशि, मित्र राशि में सूर्य का प्रवेश होने से वातावरण में गर्मी में बढ़ोतरी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो जातकों, सबसे पहले हम आपको बताएं धनु राशि वाले जातकों के पंचम भाव में सूर्यदेव का गोचर होने जा रहा है। राशि के पंचम भाव से शिक्षा के बारे में, संतान, प्रेम के बारे में विचार किया जाता है। साथ में इस भाव से व्यक्ति की बुद्धि के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्यदेव का प्रवेश होने से धनु राशि वाले जातकों को कई प्रकार के लाभ जीवन में देखने के लिए मिलने जा रहा है। सबसे पहले धनु राशि वाले जातक जीवन में नई संभावनाओं को अर्जित करते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन में कई संभावनाएं आएंगी जो आपको आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ रहने वाली है। धनु राशि के ऐसे जातक जो नौकरी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है, उन्हें सफलता इस समयावधि में देखने के लिए मिलने जा रही है। सूर्यदेव के इस गोचर के फल स्वरूप आपको आकस्मिक धन प्रदायक स्थितियों का निर्माण होगा। धन लाभ जीवन में निरंतर होता हुआ नजर आने वाला है। धनु राशि के जातकों को भाग्य का परिपूर्णता से साथ जीवन में देखने के लिए मिलने जा रहा है।
इस समयावधि में आप अपने कर्म पर पूर्ण रूपेण फोकस होकर आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। व्यापार में आपके उठाए गए कदम आपको बड़े सफलता दिलाने के लिए समर्थ होंगे। व्यापार में मुनाफा अर्जित होने की संभावना बनने जा रही है। इस समयावधि में धनु राशि वाले जातक, यदि पूर्व के समय से प्रतिकूल स्थितियां चल रही थी तो इस गोचर से आपके मन में एकाग्रता, उत्साह और धैर्य का विकास होने वाला है, जिससे किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से आप बाहर निकलने के लिए समर्थ जरूर हो जाएंगे। धनु राशि के जातकों को विदेश से धन प्रदायक स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। विदेश में यदि आप रहकर व्यापार संचालन कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ समाचार देखने के लिए मिलने जा रहा है। इस समयावधि में आपको वरिष्ठ अधिकारियों से, ऐसे लोगों से आपकी मिलन हो जाएगा, प्रभावशाली व्यक्तियों से आपका मिलन होने वाला है, जो आपके मन में उत्साह की वृद्धि करते हुए नजर आने वाले हैं, सही मार्गदर्शन देते हुए नजर आने वाले हैं। छात्र जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही उत्तम रहने वाला है, एकाग्रता में वृद्धि करेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह गोचर बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यदि जातक प्रेम जीवन में उत्सुक हैं या ऐसे जातक जो विवाह की कामना लेकर निरंतर चल रहे हैं, उन्हें जीवन में अच्छी संभावनाएं देखने के लिए मिलने जा रही है। धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यहां पर एक विशेष बात का ध्यान रखकर चलना है, क्रोध की स्थिति को उत्पन्न नहीं करना है। दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाने से आपको इस गोचर काल में जरूर बचना चाहिए। रिश्ते को काफी अहमियत दें। यदि परिवार में जुड़े हुए हैं या आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो व्यर्थ का वाद विवाद करने से आपको बचना है। अब जन्म कुंडली पर यदि सूर्य पीड़ित होते हैं तो कुछ खास उपाय हम आपको बता रहे हैं जिसको आप जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लेकर ही जीवन में कोई कार्य प्रारंभ करें। धनु राशि के जातकों, आपको पूर्ण रूपेण प्रत्येक दिन यह सलाह दी जा रही है कि अपने दिनचर्या में सूर्य नमस्कार आप ऐड कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार यदि आप करेंगे तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप में आपका विकास होता हुआ नजर आने वाला है। प्रत्येक दिन यदि आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र एक प्रामाणिक मंत्र है जिसको विज्ञान ने पूर्ण रूप से सिद्ध किया हुआ है कि इस मंत्र का यदि निरंतर जप किया जाए तो मन में उत्साह में वृद्धि होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, तो इस मंत्र का आप जप जरूर कर सकते हैं। गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। सूर्य देव की कृपा को अर्जित करने के लिए रविवार के दिन जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को यथाउचित भोजन खिला सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो धनु राशि से संबंधित होंगे तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।